फ्रेंड्स, आज हम साउथ की बहुत ही मज़ेदार सी डिश यानी कि इडली की रेसिपी देखेंगे। बहुत ही अलग प्रकार की इडली है ये, जो साउथ में बनती है। इसे हम थट्टी इडली भी बोलते हैं और इसकी रेसिपी आज हम देखेंगे, जो बहुत ही अलग प्रकार से एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ऐड करके यहाँ पे बनाया जाता है। तो वही रेसिपी आज हम देखेंगे, जो एक बार अगर आप बना लो तो एक वीक तक आपको इस नाश्ते से छुट्टी मिल जाती है। एक वीक तक ये आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हो और रोज़ रोज़ आप इसके इडली अलग अलग प्रकार की बना सकते हो। बहुत ही मज़ेदार इडली बनती है इसमें से और ये बहुत लंबे समय तक टिकती भी है। तो इस प्रकार से इडली बनाने की रेसिपी आज हम देखेंगे, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। साथ में हम लाल चटनी सर्व करने वाले हैं और इसके साथ हम देखेंगे पोड़ी मसाला, जो इसके साथ सर्व किया जाता है। तो हम इसके अंदर पोड़ी मसाला की रेसिपी और थट्टे इडली की रेसिपी देखेंगे, जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसके अंदर हम घी ऐड करते हैं। मसाला ऐड करने के बाद उसके ऊपर हम घी ऐड करते हैं, क्योंकि घी के साथ ये मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम ये इडली इस प्रकार से सर्व करते हैं और इसी प्रकार से खाते हैं। इसे हम रेड चटनी यानी कि टमाटर की जो रेड चटनी होती है उसके साथ मैंने सर्व किया है। तो आप किस प्रकार से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इडली राइस ले लिया है 3 कप। अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल राइस भी ले सकते हो। तो 3 कप यहाँ पे राइस लेना है और 1 कप यहाँ पे उड़द की दाल लेनी है। दोनों ही हमें अलग अलग भिगोना है, तो इसे हमें अच्छे से साफ करके लेना है। और अगर आपके पास इडली राइस नहीं है तो बॉयल राइस भी ले सकते हो, और अगर वो भी नहीं है तो नॉर्मल आपके घर पे जो भी राइस है वो आप ले सकते हो। तो देखिए, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है यहाँ पे हमारे पास, वो है साबूदाना। तो इस इडली के अंदर हम साबूदाना का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर 1/2 कप हमने साबूदाना लिया है, जिसे हमने राइस के साथ भिगो दिया है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से पहले रगड़ रगड़ के वॉश करना है। राइस को 3 से 4 बार आप वॉश करके उसके बाद इसके अंदर पानी डालें, और जो उड़द की दाल है उसे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बार ही रगड़ कर धोना है। उसे 2-3 बार हमें नहीं धोना है, सिर्फ 1 बार ही हमें उसे मसल कर अच्छे से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, इस टिप्स को आप ध्यान रखकर इस इडली को बनाएं तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर चावल किस प्रकार के लेने हैं और इसे किस प्रकार से वॉश करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे दूसरी टिप्स भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको बनाने में आसानी रहेगी। देखिए, इसके अंदर पानी हमें अच्छे से भर देना है, और इसके अंदर जो पानी होता है वो हमें सुबह, मतलब कि ओवरनाइट हमें इसे सोक करने के लिए रखना है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह हम इसे पीसेंगे, इसमें से हम बैटर बनाएंगे। तो देखिए, जो राइस के अंदर पानी है वो हमें निकाल देना है। ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें गमलों के अंदर, हमारे बगीचे के अंदर हम इस पानी का यूज़ करेंगे। और ये जो दाल का पानी है वो हमें निकाल कर यूज़ करना है इस पानी को, ताकि हमारा फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छा आए। और उसके अंदर हम डालेंगे पोहा। पोहा जो मैंने 1/2 कप ले लिया है, उसे धोकर भिगोकर मैंने साइड में रख दिया है। तो इससे हमारी इडली बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होगी। तो ये आप डालना भूले नहीं। तो देखिए, मैंने 2-3 टिप्स तो ऐसे ही बता दी। पहले राइस कैसे लेना है, भिगोना कैसे है, पानी कैसे यूज़ करना है और क्या क्या चीज़ें अंदर ऐड करनी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और फिर उसे हमें इस प्रकार से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ब्लेंड करते वक्त जो हमने दाल के अंदर पानी छोड़ा था, वही पानी का यूज़ हमें करना है। अगर ज़रूरत लगे तो दूसरा पानी ऐड करें, वरना ज़रूरत ना लगे तो आप दाल के पानी से ही आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले। दाल का पानी इसलिए यूज़ करना है कि इससे हमारा फर्मेंटेशन जो है इस बैटर का बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आप पानी कभी भी बाहर फेंक ना दें, और चावल का पानी आप गमले में यूज़ करें, वो वहाँ पे खाद का काम करता है, तो वो पानी भी आप फेंके नहीं। तो इस प्रकार से हमें बैटर रेडी कर लेना है। इसे मैंने 2 से 4 बैच के अंदर ब्लेंड किया है, क्योंकि ये ज़्यादा है मेरे पास, तो एक बार में ये होने से रहा, क्योंकि मेरा मिक्सर का जार जो है बहुत छोटा है।
तो इसलिए मैं इसे 3 से 4 बैच के अंदर ब्लेंड करूँगी। और जब उड़द की दाल आप ये ब्लेंड कर रहे हो तब इसके अंदर आप थोड़ा ठंडा पानी यूज़ करें ताकि आपका ब्लेंडर का जार जो है गर्म ना हो जाए और वो जल्दी बिगड़ ना जाए। तो इस प्रकार से आप ठंडा पानी थोड़ा यूज़ करके ब्लेंड करें। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से ब्लेंड करना है और इसके अंदर दरदरापन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसे हमें चेक करना है, प्रॉपर हमें इसे ब्लेंड करना है और इस बैटर को हमें मिक्स करना है। 3 से 4 बैच हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। और जब भी हम ये ब्लेंड कर रहे हैं तब इसके अंदर बीच बीच में हमें जो हमने पोहा भिगोकर साइड पर रखा हुआ था वो पोहा हमें इसके अंदर ऐड कर देना है, जिसकी वजह से हमारी जो इडली है बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होगी। तो इस प्रकार से हमें बैटर बनाकर तैयार कर लेना है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भूले नहीं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वैसे आप अगर एपी पेज पर देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो इस प्रकार से सारे बैटर को हमें अब अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे मेन टिप्स जो ये है कि हमें जब ये मिक्स करना है तब हमें हाथों से ही इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फेंटना है। तो ये टिप्स आप कभी भी मिस ना करें, ये एकदम से अच्छे से हमें हाथों से ही फेंटना है ताकि हमारे हाथों के अंदर जो गर्माहट होती है उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही अच्छा फर्मेंटेशन आएगा। और ये जितना अच्छा फेंटेगा उतना ही अच्छा हमारा ये इडली, मतलब कि थट्टे इडली हमारी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी, क्योंकि हम इसके अंदर कोई इनो सोडा वगैरह यूज़ नहीं करने वाले हैं। थट्टे इडली के अंदर कभी भी सोडा यूज़ नहीं होता है, तो इसे हमें अच्छे से फेंटना होता है। और ये अच्छे से फेंटोगे तो बिल्कुल ही फ्लफी बन जाएगा, तो इससे इडली हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। देखिए, इसे हमें अच्छे से फेंटना है, इसके कभी भी मिस ना करें। देखिए, और इस बैटर को, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, इस प्रकार की होनी चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। तो इस प्रकार की कंसिस्टेंसी आप रखें और अच्छे से फेंट लें। उसके बाद इसे ढककर हमें फिर से 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। और मैं पोहा डालना भूल गई थी तो मैंने फिर बाद में डाल दिया, तो आप उसे मिस ना करें। देखिए, अब हम बनाएंगे उसे, फर्मेंट के लिए मैंने छोड़ दिया है साइड में। तब तक हम साइड में बनाते हैं पोड़ी मसाला, जिसके लिए मैंने उड़द दाल ले ली है 1 कप और यहाँ पे ले लिया है चने की दाल 1/2 कप। तो ये दोनों ही चीज़ों को हमें अच्छे से पहले साफ़ कर लेना है। तो 1 by 1 हम दोनों को अच्छे से पोंछ कर साफ़ करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी डस्ट ना रह जाए। अगर आप इसे धोना चाहते हैं तो पहले ही धोकर आप इसे अच्छे से सुखा लें, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस प्रकार से पोंछ कर काम चला सकते हो। तो मैंने इन दोनों को अच्छे से पोंछ लिया है, अब हम इसे अच्छे से पैन के अंदर डाल के रोस्ट करेंगे। देखिए, तो रोस्ट करने के लिए यहाँ पे पैन मैंने ले लिया है नॉनस्टिक वाला, जिसके अंदर हम थोड़ा सा पहले घी या ऑयल डालेंगे। मैं तो यहाँ पे ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहो तो घी भी यूज़ कर सकते हो। 2 चम्मच के करीब यहाँ पे हमने तेल ले लिया है, बस ज़्यादा नहीं लेना है। और ये जो हमने चना दाल और उड़द दाल जो ली थी वो इसके अंदर डाल दी, और इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। देखिए, इस प्रकार से हल्के हल्के हाथों से हमें लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसमें से थोड़ी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। देखिए, तो हल्के हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करें। वैसे आप लोग फ्रेंड्स कौन कौन सी इडली बनाते हो और किसे किसे इडली ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे व्यूवर्स कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और मैं उन सबको थैंक्स कह सकूँ। तो ये कमेंट बॉक्स में कहना लिखना भूले नहीं फ्रेंड्स, तो ज़रूर से कमेंट करें और मुझे बताएं।
और आप लोग कौन कौन सी दूसरी रेसिपीज देखना चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग क्या क्या देखना चाहते हो और आपकी कौन कौन सी रेसिपीज पसंद करते हो। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छे से रोस्ट कर ले। देखिए दाल हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, ज़्यादा इसे हमें जलाना नहीं है, लेकिन इसमें से खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे रोस्ट करना है। उसके बाद इसे हमें ठंडा करना है पहले एक बार, उसके बाद ही हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तब तक हम इसे साइड पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे मिक्सी के जार के अंदर ले लेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए मैं इसे ठंडा करने के लिए दूसरी प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और इसी पैन के अंदर अभी हमें दूसरी प्रोसेस भी करनी है। तो अभी ये पैन मैंने रख लिया वापस से, और फिर इसी के अंदर हम दूसरी प्रोसेस करते हैं जो हमें पोड़ी मसाला बनाने के लिए चाहिए होगा। तो देखिए अब हम इसके अंदर लेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, हमें यहाँ पे लेनी है। अगर आपको थोड़ा तीखापन चाहिए तो आप थोड़े से तीखे वाले मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, साबुत ही ली है। इसे मैं अच्छे से रोस्ट करूँगी। इसके अंदर मैंने नीम के पत्ते डाले हैं, दोनों को अच्छे से हम रोस्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और हमारा पोड़ी मसाला अच्छे से बनकर तैयार हो। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। पहले इसे लो फ्लेम पर हमें कुक करना है, हाई फ्लेम कभी भी नहीं रखना है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। वैसे फ्रेंड्स इसके अंदर मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, सभी को आप फॉलो करोगे तो आपकी इडली बहुत ही अच्छी बनेगी और आपका ये जो पोड़ी मसाला है बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होगा। वैसे आप लोग पोड़ी मसाला बनाते हो कि नहीं ये मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको पसंद है कि नहीं पोड़ी मसाला, और अगर आप बनाते हो पोड़ी मसाला तो किस किस चीज़ के अंदर आप इसका यूज़ करते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो देखिए ये हमारा मसाला बनाने के लिए मिर्च जो हमने रोस्ट कर रखी है तो ये अच्छे से रोस्ट होने को है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को फिर बंद कर देंगे और इसे भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो डंठल है वो डंठल हमें निकाल देनी है, और इसके अंदर जो बीज है सीड्स आते हैं वो भी आप चाहो तो निकाल सकते हो और चाहो तो रख भी सकते हो। तो मैं इसके अंदर से डंठल निकाल कर सीड्स भी थोड़े से निकाल दूंगी और थोड़े से रहने दूंगी। वैसे आप इसके अंदर अगर तीखा वाला मिर्च चाहो तो वो भी डाल सकते हो तो थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए इस प्रकार से डंठल निकाल देने हैं, और मैं इसी तरह साबुत इसी के अंदर डाल रही हूँ। ज़्यादा मिर्च का पीस जो आते हैं सीड्स, वो आप चाहो तो अगर तीखा नहीं चाहते हो तो निकाल सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा तीखापन आए इसलिए मैं सीड्स इसके अंदर रहने दे रही हूँ। और मैंने यहाँ पे दाल ज़्यादा मात्रा में ली है, आप अगर एक दो जन के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाए, इतना सारा ना बनाए, मुझे ज़्यादा बनाना था इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ। तो आप मेज़र करके थोड़ी सी क्वांटिटी में बना ले। देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंडर जार के अंदर डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ये वाला दाल जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ था। तो फ्रेंड्स इसके अंदर मैं एक चीज़ भूल गई हूँ आपको बताना, मैंने बाद में डाल दिया था तो आप मिस ना करें। इसके अंदर थोड़ी सी हमें इमली का टुकड़ा डाल देना है। जब हम मिर्च और नीम का पत्ता रोस्ट कर रहे थे तभी हमें नीम उसके अंदर थोड़ी सी इमली का टुकड़ा डाल देना है ताकि इसके अंदर थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और पोड़ी मसाला के अंदर इमली डालना मस्ट है, तो वहाँ पे आप इमली डाल दो थोड़ा सा रोस्ट करते समय, और उसके बाद जब ब्लेंड करो तो उसके अंदर उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दे तो हमारा पोड़ी मसाला जो है बनकर तैयार हो गया है। देखिए अब हमने इडली भी उतार ली है, तो आप देख सकते हो इडली हमारी और पोड़ी मसाला कितना लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। इडली हम नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस मैंने आपको इडली का बैटर बनाना बताया है कि कैसे हम थट्टे इडली का बैटर बनाते हैं, और इडली तो जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही बनाना है।
बस इसके अंदर सोडा वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है, इतना हमें ध्यान रखना है बस। आप चाहो तो सोडा डाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर नहीं डलता है तो मैं नहीं डालती हूँ। फिर भी ये कितना फ्लफी और कितना यम्मी बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हो। थट्टे इडली इस प्रकार की होती है, तो हमने इसी प्रकार से बनाया है, तो आप देखिए। और इस प्रकार से बनाकर आप फ्रेंड्स एक बार ट्राई ज़रूर से करें, ये मस्ट रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है। ये ठंडी हो जाती है तो भी बहुत अच्छी लगती है ये इडली। तो इस प्रकार से इसके ऊपर मसाला डलता है, उसके ऊपर घी डलता है अच्छे से, और फिर इसे चटनी के संग एंजॉय किया जाता है। अगर ये आप नाश्ते के साथ नाश्ते में बना रहे हो तो इस प्रकार से बनाए, और अगर आप डिनर या लंच में बना रहे हो तो आप इसके साथ सांभर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं ये नाश्ते के लिए बना रही हूँ तो मैंने अभी सांभर नहीं बनाया है, सिर्फ रेड चटनी बनाकर रखी हुई थी तो उसी के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। तो आप इसी प्रकार से एंजॉय कर सकते।